थी सर। अच्छा, तो पिस्टल लेके वहाँ से फिर आया, तो एक राउंड मतलब फाइटिंग हो गया और बोला था कि जान से मार देंगे तुमको ऐसे। एक राउंड फाइटिंग आपके पापा पर किए जी? अच्छा, तो गोली कहाँ लगी उनको? गोली नहीं लगी, वो रेंज से मतलब बाहर थे। बाहर से? अच्छा, और गोली मार के भाग गया। गोली मार के भाग गया वो इसंडा के क्लिनिक में, वो क्या नाम है, गुप्ता, एसके गुप्ता का क्लिनिक भी है, उसमें हम जाके नुका गए हैं। वहाँ पे खाड़ा घाट पे हम लोग आ रहे थे एग्जाम देके, वहाँ पे तो वहाँ पे गुमटी पे सब खड़ा था गमछा लपेट के। वहाँ कितने लोग खड़े थे? 4 से 5 आदमी खड़ा था वहाँ पे। और वहाँ पे स्प्राइट का जो बोतल होता है वो चला के मतलब मार दिया, पहले पापा को पहले लगा यहाँ पे, और फिर जैसे हम पीछे घूम के देखे तो यहीं पे हमको चोट लग गया वही बोतल से। फिर पापा जख्मी हो गए, तो वहाँ पे का आदमी सब बोला कि बैंडेज पट्टी करा लीजिए वहाँ पे। तो फिर वहाँ से पीछे चला गया हुआ था तब तक वो आशीष सर। अच्छा, तो पिस्टल लेके वहाँ से फिर आया, तो एक राउंड मतलब फाइटिंग हो गया और बोला था कि जान से मार देंगे तुमको ऐसे। एक राउंड फाइटिंग आपके पापा पर किए जी? अच्छा, तो गोली कहाँ लगी उनको? गोली नहीं लगी, वो रेंज से मतलब बाहर पे बाहर से पाइप पे लग गई गोली। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे पाइप अभी भी मतलब जाके देखना है तो मतलब वहाँ पे फूटा हुआ है पाइप, गोली लगा हुआ है वहाँ पे। अच्छा, तो यही सब बात हुआ। फिर आए हमारे अंकल ही सब आए, तो तब हम लोग वहाँ से निकले और थाना प्रभारी को जब फ़ोन किए पापा को, वो बोले कि आप आइए थाना पे। तो पापा बोले कि ऐसे ऐसे पिस्टल लेकर खड़ा है मतलब मार गया गोली। तो पापा को बोले कि अच्छा मार गया तो फिर पोस्टमार्टम होगा, ऐसे मतलब करके पापा को बोला गया थाना प्रभारी के द्वारा। पापा का नाम क्या हुआ? जयप्रकाश। और आपका नाम क्या हुआ? सौरभ राय। एग्जाम देके आ रहे थे जी? एड्रेस? एड्रेस अय्यापुर आनंद विहार कॉलोनी में हमारा घर हुआ। उसकी पहचान हो पाई है जो? जी हाँ, वो जियालाल राय चौक का है वो, अय्यापुर आनंद विहार कॉलोनी। तो क्या करते हैं आप? हम एक सर्विस मैन है। अच्छा, क्या हुआ है, क्या घटना घटी है? घटना घटी है, हम अपने बच्चे को स्कूल से परीक्षा दिला करके ला रहे थे। अच्छा, रास्ते में वो अचानक यहाँ पे एस एन राय के क्लिनिक के आसपास, शेखपुर बोलता है हमको, नहीं इतना मालूम है। हाँ, एस एन राय का क्लिनिक है यहाँ पे, उस जगह गोली चलाया। अच्छा, और गोली मार के भाग गया? गोली मार के भाग गया वो एस एन राय के क्लिनिक में, वो क्या नाम है, गुप्ता, एसके गुप्ता का क्लिनिक भी है, उसमें हम जाके नुका गए हैं। वहाँ गेट पर भी पिस्टल लेकर के आया हुआ। अच्छा, पहचाने हैं जो कि क्यों गोली चलाया क्या है? वो लड़का सबका कभी स्कूल वगैरह में जाता है, उसका होगा कुछ, हमको इसके बारे में नहीं पता है। बच्चे को विवाद था? बच्चे का विवाद हो सकता है। अच्छा, देखें इधर लगा है। कितने बजे की घटना है? अभी जस्ट आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले? तो इसकी सूचना थाने पर देने आए हैं आप लोग? थाने पर देने आए, मैं थाना को फोन किया था। अच्छा, थाना बोले हैं कि आप थाना पर आइए। अच्छा, जबकि वो गोली लेकर के पिस्टल लेकर के बाहर खड़ा है। कितने लोग थे वहाँ? वो 4-5 लोग थे, जिसमें से एक आदमी पिस्टल निकाला हुआ था। कौन चीज से थे? वो लोग हम किसी से नहीं, वो पैदल वहाँ पे, हम मेरे सामने पैदल ही खड़ा था। तो आप बाइक से ना थे? जी, हम बाइक से थे। और वो लोग पैदल खड़ा था जी, जैसे ही आप आए उस पर मतलब आप प्रहार कर दिया? प्रहार कर दिया, गोली चला दिया। क्या पूर्व में कभी किसी से दुश्मनी है? नहीं, हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप अभी फिलहाल कौन सा काम करते हैं? हम कोई काम नहीं करते, यही बच्चों के साथ रहते हैं, एक सर्विस मैन है, फौज से रिटायर है। अच्छा, बच्चे को कहाँ से एग्जाम दिला? क्या सनशाइन में इनका सेंटर पड़ा हुआ है। कौन सी का एग्जाम था? मैट्रिक का, 10th का। अच्छा, अभी जो चल रहा है सीबीएसई बोर्ड वाला। अच्छा, वो एग्जाम दिला करके लौट रहे थे जी, बाइक से जी। तो सड़क किनारे खड़ा 4-5 युवक था जी। गोली चलाने वाले का उम्र लगभग क्या होगा? उसका उम्र 25 साल के लगभग, 20-25 साल होगा। उसका नाम आशीष है, मेरा लड़का उसको पहचानता। उन्होंने बोला है कि आप थाना पर आइए। थाना पर किसको फोन किया? थाना पर आइए, मेरे पास अय्यापुर थाना प्रभारी का नंबर है, उससे फोन किया। उन्होंने बोला कि थाना पर आइए, मैं बोला सर ऐसे ऐसे बाहर खड़ा है गोली मार देगा, आइए, बोला पोस्टमार्टम होगा आपका। कौन कौन थाना बोला है? आइडिया बताना। जो आपको दिखाता है सच का आईना।